सवाती और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजौरी में दुर्घटनावश राइफल के चलने से सेना के दो जवान घायल, अस्पताल भर्ती। राजौरी में सेना के दो जवान घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिले के मंजाकोट इलाके में एक शिविर में गलती से एक जवान की राइफल से गोली चलने से दो जवान घायल हो गए। मिलावट के खेल से स्वास्थ्य से खिलवाड़, 5,913 सैंपल में 550 फेल, दुग्धा से जुड़े केस ज्यादा। विभाग के अनुसार दुग्धा पदार्थों में अधिकांश फैट मानक निर्धारित नहीं होते हैं, इनसे उनकी गुणवत्ता पर असर रहता है। सामान्य तौर पर ऐसे दुग्धा पदार्थ सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनकी कम गुणवत्ता से मानव शरीर पर असर रहता है। श्रीनगर से 630 हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना। मुसलमान की सबसे पवित्र यात्रा की शुरुआत बुधवार से हो गई है। श्रीनगर हवाई अड्डे से आज हज यात्रियों का पहला यात्रा सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। पहले यात्रे में 630 यात्री शामिल रहे। लैंडर डाले जा रहे महिंद्रा वाहन को टैंकर ने मारी टक्कर, 16 श्रमिक घायल, 3 की हालत गंभीर। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह टैंकर और महिंद्रा वाहन में टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब 16 लोग घायल हो गए, इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।